ये जो आपने टूल किट गैंग जो ये वर्ड यूज किया है, ये लोग वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्वेश्चन कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो बालाकोट स्ट्राइक को भी क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए जी, वर्क स्टाइल में, ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ही ये कोई टेम्परेरी पोस्टिंग हो रही है इनकी। इनकी भी एक नॉर्मल जवान की तरह पोस्टिंग होगी किसी भी यूनिट में, कोई फील्ड में है, कोई पीस में है, कोई हाई एल्टीट्यूड एरिया में है। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो ये नौजवान आ रहे हैं, दे आर मोर टेक्निकली अडेप्ट, ये टेक्नोलॉजी को बड़ा जल्दी से अडाप्ट करते हैं और उसका बड़े अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। वो पेंशन बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि जो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता था। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। जी नमस्कार, जी नमस्कार। आज हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर नितिन कोहली, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम रिटायर्ड उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आज आपका, एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू। विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता ने हाल फिलहाल में ही एक ट्वीट किया है, एंड आई कोट, कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया, सेवा के समय न ग्रेच्युटी न अन्य सैन्य सुविधाएं, और शहादत के समय परिवार को पेंशन तक नहीं मिली, और इमिडिएटली आफ्टर दिस टूलकिट गैंग बहुत एक्टिव हो गया और अग्निवीर को निशाना बनाते हुए बहुत ही मिसकम्युनिकेशन सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये जो ट्वीट किया गया है, जो आपने मुझे पढ़ के सुनाया है, ये बिल्कुल गलत। ये तो या तो इनको ज्ञान नहीं है इस विषय में, या जान करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी देश के लिए आर्मी में रह करके शहीद हो गया और आर्मी या देश उसके लिए कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण नाम के अग्निवीर हैं जो सेचिन ग्लेशियर पर, जिनकी चेस्ट पेन के कारण, वेदर कंडीशन के कारण वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें 48 लाख रुपीज तो उनको मिलेंगे इंश्योरेंस के, इनके नेक्स्ट ऑफ किन को, और 44 लाख रुपीज इनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगी, नंबर दो। तीसरा, जो इनकी तनख्वाह थी, पे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पेंशन, मैं पे की बात कर रहा हूँ, 100% पे इनको जितनी इनकी सर्विस थी, यानी 4 साल तक मिलती रहेगी इनके नेक्स्ट ऑफ किन को, पूरी की पूरी पे, इंक्लूडिंग जो इनका 30% जो एक वो कंपोनेंट होता है, जो इनका प्रोविडेंट फंड वाला होता है, इसके केस में उसको सेवानिधि कंपोनेंट बोलते हैं, सेवानिधि कंपोनेंट भी इनको मिलता रहेगा, और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें होता रहेगा। देखिए, जो इनकी अग्निवीर की जो पे होती है, उसमें 70% पे तो इनके अकाउंट में आती है, और 30% इनका सेवानिधि अकाउंट में डाला जाता है, वो इनकी सेविंग के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, और उस 30% में गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 30% और डालती है, और वो एक्यूमुलेट होके उस पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता रहता है। और 4 साल की सर्विस के बाद अगर एक अग्निवीर मान लीजिए रिटायर होता है, तो उसको तकरीबन 12-13 लाख रुपए मिलेंगे, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसको, टैक्स नहीं लगेगा, सॉरी। और अगर हम टैक्स वाला पोर्शन अगर उसमें इंक्लूड कर दें, तो तकरीबन 16-17 लाख के करीब आता है, अगर उसको टैक्स लगता हो। सो ये एक अग्निवीर को नॉर्मल टाइम पर मिलता है। अब उसकी डेथ होने से, अनफॉर्चुनेट केस में जो हुई है अभी, उनको 1 लाख से ऊपर तकरीबन के करीब ये पैसा मिलेगा, पूरी तनख्वाह इनको मिलती रहेगी, इनके नेक्स्ट ऑफ किन को, फादर मदर जो जो भी होंगे इनके, 4 साल तक, और उसके बाद में जो सेवानिधि का जो कंपोनेंट है वो भी पूरा मिलेगा। और इनिशियली एकदम अभी से इंश्योरेंस का 48 लाख और 44 लाख जो है एक्स ग्रेशिया पेमेंट इनको मिलेगी। इसके अलावा जो भी एक किसी और को सहूलियत दी जाती है, या जो रिस्पेक्ट दी जाती है, देखिए, एक जवान की ऐसे मृत्यु हो जाना, या वीर गति को प्राप्त होता है जब ड्यूटी पे, तो ये बहुत सीरियस चीज है, और आर्मी इसको बड़ी संवेदना के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ लेती है। उनके परिवार का भी ख्याल रखना है, उसका यूनिट का भी ख्याल रखना है, जो कि उसको मिलना है वो पूरा मिलना चाहिए। आई एम श्योर कि इनकी इनके पार्थिव शरीर को आर्मी के अरेंजमेंट में इनके घर तक
जहां भी इनका नेटिव प्लेस है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहां तक पहुंचाया गया होगा। एस्कॉर्ट आर्मी का साथ में जाएगा, इनको मिलिट्री फ्यूनरल के साथ इनका क्रीमेशन क्रियाक्रम किया जाएगा ताकि इनको पूरा उसके रेस्पेक्ट दिए जाएं। इन एडिशन जो पैसा मिलना है वो पैसा इनको मिलेगा। तो ये है, तो ये अगर कोई ऐसी बात लिख रहा है तो शायद उनको इस विषय में पता नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक व्हाइट में, इसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश भी नहीं। थैंक यू सो मच सर। कई लोग हैं जो मिस इन्फॉर्म्ड है आपके सवाल से, जो इतना आपने डिटेल्ड इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, कई लोगों की कई क्वेरीज इससे आपने सॉल्व करी। जी आगे सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अग्निवीर जो कि एक टेम्पररी पोस्टिंग है किसी की, किसी भी जो जो अग्निवीर अग्निपथ स्कीम में अपॉइंटमेंट होंगी, ये टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक परमानेंट कैडर और अग्निवीर में क्या डिफरेंस है इनके वर्क में, इनके असाइनमेंट्स में क्या डिफरेंस है दोनों के वर्क स्टाइल में एंड ट्रीटमेंट में? देखिए जी, वर्क स्टाइल में ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, और ना ये कोई टेम्परेरी पोस्टिंग हो रही है इनकी। इनकी भी एक नॉर्मल जवान की तरह पोस्टिंग होगी किसी भी यूनिट में, कोई फील्ड में है, कोई पीस में है, कोई हाई अल्टीट्यूड एरिया में है, कहीं भी है, जहाँ पे उनकी यूनिट में जैसे एक नॉर्मल जवान की होती है, इनकी पोस्टिंग भी होगी। जो काम वो लोग करते हैं वही काम ये लोग भी करेंगे, और उनके कोई ट्रीटमेंट फर्क नहीं है। देखिए, एक आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता ही है कि मैं 41 ईयर्स तक एक कमीशन सर्विस मैंने करी है, तो यहाँ पे किसी किस्म का भेदभाव होता ही नहीं। आप किस कास्ट से आए हैं, क्या आपका रंग है, क्या आपका कोई भी भेदभाव, छोटा बड़ा, कोई एंट्री का कि अग्निवीर एंट्री है ये दूसरी एंट्री, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सब जवान जो हैं एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट उनकी मदर की तरह है, जैसे माँ के बच्चे होते हैं उस तरह वो हैं। सब लोग अपना काम करते हैं, सब भाईचारे में रहते हैं समाज के लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि धर्म जाति हर चीज को छोड़ करके सब लोग बड़े प्यार से, बड़े सौहार्द से, बड़ी आत्मीयता की भावना से रहते हैं, और तभी वो काम को ठीक से कर पाते हैं और जो उनको टास्क मिला है उसके लिए वो करते हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो बताया जा रहा है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो सिर्फ 4 साल है, और 4 साल के बाद में 25% लोगों को सेलेक्ट करके स्थायी कर दिया जाएगा, और 75% लोगों को स्थायी नहीं हो पाएंगे। ये एज ऑन टुडे गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्यूचर में जैसा होगा वो तो बाद में देखने वाली चीज। जी से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि जब आर्मी रिक्रूटमेंट की बात होती है तो एक जो थोड़ा सा बर्निंग क्वेश्चन है कि इसमें महिलाओं की रिक्रूटमेंट कैसे होगी, क्या होती है, अगर होती है तो आदमी और औरत के रोल डिफरेंसेस कुछ हैं? देखिए, एज ऑन टुडे जवानों में रेगुलर, उसमें भी मलाग्निवीर आने से पहले भी महिलाओं की भर्ती सिर्फ CMP एक है हमारी, दैट इज कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, वहां पर होनी शुरू हुई थी, सिर्फ वहीं पर होती है जवानों के कैडर में। ऑफिसर्स में तो लेडी ऑफिसर्स तकरीबन सभी कोर में आ गई हैं कॉम्बैट आर्म्स को छोड़ करके, लेकिन जवानों के लिए, क्योंकि अग्निवीर स्कीम जो है सिर्फ जवानों के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज बिलो ऑफिसर्स रैंक, उनके लिए एप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ CMP कैडर में, दैट इज कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ही रेगुलर तौर पर अग्निवीर आने से पहले भी आई थी। अभी जब अग्निवीर इस समय सिर्फ जेंट्स के लिए अप्लीकेबल है, पुरुषों के लिए अप्लीकेबल है, और आने वाले समय में मुझे कोई शक नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, बल्कि पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं, वो सेम ट्रेनिंग सेम उनको फैसिलिटी दी जाएगी तो करेंगी, और ये महिलाओं ने हर फील्ड में दिखाया है, इवन आर्मी में भी ऑफिसर कार्डर में जब महिलाएं अभी हैं सब काम कर रही हैं, वो तब यूनिट भी कमांड कर रही हैं। शुरू का लोगों को हिचकिचाहट हो सकती है, उनको अपने बारे में भी हो सकती है, बट बाद में, बट आई एम श्योर आने वाले समय में अग्निवीर में भी महिलाएं आएंगी, बट एज ऑन टुडे सिर्फ पुरुष ही उसमें, क्योंकि अभी अभी स्कीम शुरू हुई है, लास्ट ईयर 2022 में स्कीम शुरू हुई। वी वेट टू सी दैट डे सून सर। जी जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हुए मैं ये समझना इम्पोर्टेंट है कि क्यों ये स्कीम इतनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, और क्या ऐसी ही कुछ स्कीम्स के हम रेफरेंसेस दूसरे देशों में देखते हैं क्या? देखिए, इस स्कीम के बड़े फायदे हैं, और जैसा चल रहा था समय को देखते हुए इस स्कीम की बहुत जरूरत थी हमारी देश के अंदर, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि ये स्कीम आनी चाहिए। इससे क्या हुआ, देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो पेंशन बिल है वो इन्फ्लेट हो रहा था, वो पेंशन बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि जो हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, काफी बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता था, तो जो बाकी चीज को चलाने के लिए जो है वो काम नहीं हो पाता था, या अब नए इक्विपमेंट खरीदने हैं चाहे वो कैपिटल से है, जहां से भी आएंगे, डिफेंस बजट से ही आने हैं, तो उनके लिए पैसा बहुत कम बचता था।
बाहर के देशों में भी जैसा आपने बोला है उनकी, वो भी इस चीज से बड़े कॉन्शियस हैं और वो भी अपनी स्कीम ऐसे बनाते हैं कि उनका सपोर्ट कार्डर बड़ा रहे। सपोर्ट कार्डर मतलब कि शॉर्ट सर्विस वाले लोग बड़े रहें और जो जिन लोगों को फाइनली पेंशन देनी है वो लोग कम से कम रहें, ताकि फाइनेंशियल बंडर हमारे पर नहीं रहे और हम उन्हें अपने पैसे का ठीक से इस्तेमाल कर पाए। ये तो एक कारण था। दूसरा, आपने बोला कि स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम के और भी बड़े फायदे हैं कि इसमें देखिए 17 से 20 साल की उम्र में ये लोग इसमें आ जाएंगे तो हमारी आर्मी एक यंगर आर्मी रहेगी। यंगर आर्मी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हमने लड़ाई लड़नी, आपको मालूम है पाकिस्तान है इस साइड में, उधर चाइना है और बाकी भी हमारे विद इन कंट्री भी कुछ ना कुछ होता रहता है, आर्मी हमेशा एंगेज रहती है, तो एक यंगर प्रोफाइल रहेगा आर्मी का जिसमें अग्निवीर बड़ी हेल्प करेंगे। दूसरा, ये जो अग्निवीर हैं ये यंग लड़के होने की वजह से दे आर ऑल्सो दे हैव प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क, मतलब वो रिस्क लेने में घबराते नहीं। एक यंगर आदमी जो है वो अच्छी तरह रिस्क ले पाएगा, जो कि हमारी जरूरत है, मतलब रिस्क सोच समझ के ही लेना है, फुल आर्डी की तरह नहीं, बट वो एक हिम्मत वाली बात जो है वो चीज उनके अंदर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो एक बड़ी उम्र का होगा। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो ये नौजवान आ रहे हैं दे आर मोर टेक्निकली अडेप्ट, ये टेक्नोलॉजी को बड़ा जल्दी से अडेप्ट करते हैं और उसका बड़े अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक शायद पुराने आदमी को करने में थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, उसको समय लगेगा सीखने में, ये लोग उस चीज को। और आज जैसे आर्मी में इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी की काफी जरूरत है। और एक लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इन्हें 4 साल मिलते हैं, अभी अभी कुछ इनका बैच कुछ समय पहले आया है यूनिटों में, कुछ महीने पहले ही, ये देखा गया है कि इतना जोश है उनके अंदर, इतने वो मोटिवेटेड हैं, क्योंकि उन्होंने इस छोटे थोड़े समय में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। देखिए एक ह्यूमन नेचर ये है कि जिसकी कोई सरकारी नौकरी लग जाती है उसे मालूम है कि मैं अभी यहाँ से रिटायर होकर जाऊंगा, तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग में आया था कि ठीक है आराम से काम करते हैं, आराम से हो जाएगी सब चीज हो जाएगी। ये सब सरकारी नौकरी में होता है, आर्मी में कम होता है, लेकिन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ये लो जो लोग हैं ये इन्होंने प्रूव करके दिखाना है, उसको मालूम है कि मेरे को 25% मैंने सेलेक्ट होना है। सो दे ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब एज ऑन टुडे इन द यूनिट। तो ये इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट साइज। सो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट राइटली, आप कहना चाह रहे हैं कि एक स्कीम के थ्रू एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है युवा के अंदर, उसके अंदर ये अर्ज है कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है ताकि मेरे को अपना सिलेक्शन करवाना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ क्योंकि क्यों क्यों ये रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 साल के लिए है और जवानों के लिए है, क्योंकि जो कहावत है जवान खून गर्म खून और फौलादी खून, बट अंडर द करेक्ट गाइडेंस। जी जी सर, चीज ये है कि जो हमारा पेंशन बिल है वो कंट्रोल में है। देखिए बिल्कुल, तो थोड़ा कंट्रोल में आएगा। यू कांट हैव अनलिमिटेड पेंशन बिल कि सारा पैसा आप डिफेंस बजट का पेंशन में लगा दो, तो फिर आप कैसे गुजारा करेंगे। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जो करनी है, जो आपने नए इक्विपमेंट खरीदने हैं, आपकी आर्मी मॉडर्नाइज कैसे होगी, नए इक्विपमेंट नई चीजें कैसे आएंगी, कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना। जी तो सर, जब इतनी एक सोशल बेनिफिशियरी स्कीम है और इसके इतने फायदे हैं, तो क्या कारण है कि जो टूलकिट इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं सोसाइटी में, या इसके इसके लिए इतनी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों स्प्रेड करी जा रही है? देखिए जिनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है या जो थोड़े एंटी नेशनल लोग हैं वही ऐसी बात करते हैं, और वो उनका आप अगर देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, अच्छी से अच्छी स्कीम हो, उनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। ये जो आपने टूल किट गैंग जो ये वर्ड यूज किया है, ये लोग वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक को भी क्वेश्चन कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो बालाकोट स्ट्राइक को भी क्वेश्चन कर रहे थे, और भी जो गवर्नमेंट की एक अच्छी वेल मीनिंग स्कीम आती है उसको हर चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज करना ही करना है। सो ये एक एंटी नेशनल बात है, हमें एक बिल्कुल बुद्धिजीवी की तरह, एक देश प्रेमी की तरह एक चीज को संतुलित तरीके से देखना चाहिए, और ये हम तो सर्व उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि उनकी उन्हें भगवान अच्छी बुद्धि दे और ऐसी गलत सोच ना रखें और समाज का नुकसान ना करें। ये देश को इनके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और उनको बांटना चाहते हैं, बस इनका ये एजेंडा है, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। सर विपक्ष, लेकिन सर विपक्ष की तरफ से एक सवाल ये भी आता है कि, और ये सवाल है ऐसा है जिसका जवाब शायद साफ जवाब भी मिला नहीं है लोगों को,
ये जितने रिक्रूटमेंट होंगे रिटायरमेंट के बाद क्या फ्यूचर है, ये रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? आपने अपनी सर्विस देखिए, कर दी। या मैं बताता हूँ, मैं बताऊँ, आपकी बात सही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जैसे अभी 75% लोग रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी उम्र जो है, उनकी उम्र 23-24 साल की उनकी उम्र होगी। आप इसको जरा होलिस्टिकली देखिए, पूरी तरीके से देखिएगा। ये एक लड़का है जो गांव से आया है, 10वीं 12वीं पास है, इसके पास कोई स्किल नहीं है जब ये शुरू में आया है। 4 साल के अंदर इसको दुनिया भर का एक्सपोजर मिला है और नाना प्रकार की स्किल्स इसको मिली हैं। जब वो 4 साल बाद रिटायर होगा तो आर्मी इसको पूरे सर्टिफिकेट देती है कि इसके अंदर ये स्किल आ गई है, चाहे वो कंप्यूटर चलाना है, वो ड्राइविंग है, चाहे उसने इंस्ट्रूमेंट चलाने हैं, गन्स चलानी है, रेडार चलाने हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज हो रही है, दुनिया भर की आज हर आम सर्विस के अंदर टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, और ये उसमें मास्टर हो जाएगा 4 साल में अगर अच्छी तरह अपना काम करेगा तो। उस उम्र में, 24 साल की उम्र में, प्लस ही विल बी ए फास्ट लर्नर, क्योंकि आर्मी में रह के जो सबसे बड़ी चीज होती है लोगों को, दे लर्न फास्ट, दे फटाफट एक नई चीज सीखने फटाफट सीखेंगे, तो कोई भी लोग उनको लेना चाहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने बोला है कि CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस है, हमारी आर्म फोर्सेज हैं, उसके अंदर 10% रिजर्वेशन के लिए गृह मंत्री जी ने इस विषय में बोला है, और इसको उन लोगों को वहां मिलेगी। वो तो एक है, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो आई एम श्योर इंडस्ट्री और बाकी लोग उनके एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक आदमी काबिल है, देखिए हमारी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन हर फील्ड में होगा, अगर आपके अंदर स्किल है, आप विलिंग वर्कर हैं, आप हार्ड वर्किंग है, सिंसेरिटी है, डिसिप्लिन है, जो कि आ जाता है यहाँ पे इतने साल रह करके, तो कोई भी उनको अपने पास लेना चाहेगा। इसका दूसरा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसमें कोई एंटी नेशनल एलिमेंट होंगे, वो तो हमेशा रहेंगे, तो उसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, बाकी लोगों को जागरूक रहना है कि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे। आई थिंक सर वी कैन, आई वुड लाइक टू एड टू वट यू सेट कि एक पैरेलल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक सर्विसमैन है, एक एक सर्विसमैन की बहुत डिमांड होती है आजकल, स्पेशली इन MNCs, एंड बिकॉज दे आर नॉट जस्ट डिसिप्लिन बट दे नो हाउ टू मैनेज टाइम, दे नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो इनके अंदर वो क्वालिटीज इन्फ्यूज करके दे आर रेडी टू नाउ एक्सप्लोर द अदर अरिनास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और एक बात, नहीं आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, एक बात इसमें और मैं ऐड कर दूं। देखिए, जब ये लोग यहाँ से ट्रेन होकर के और रिजर्व होकर ये निकल के आ रहे हैं ना, तो एक हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर रिजर्विस्ट इकट्ठे हो रहे हैं। मैं इसराइल की आपको एग्जाम्पल दूं तो उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ 2 लाख है, 2 लाख से भी थोड़ी कम है, और उन्होंने भी सब रिजर्विस्ट को बुला लिया है, और तकरीबन 6 लाख के करीब अभी वो लोग हो गए आर्मी और रिजर्विस्ट ना करके, तो 4-10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 6 लाख की आर्मी खड़ी कर दी है। सो ये अगर हमारे रिजर्विस्ट जो कि ट्रेन हो चुके हैं अवेलेबल रहेंगे, तो कोई देश पर आपत्ति आने पर, कोई आपदा आने पर, ये लोग हमारे साथ हैं, ये हमारी एकदम से आर्मी खड़ी हो जाएगी। सो रिजर्विस्ट को अपने साथ कंट्री में रखना एक बड़ी अच्छी बात है, तो हर तरीके से ये स्कीम बड़ी अच्छी है। एंड आई थिंक जैसे हमारे जैसे विश्व में हालात चल रहे हैं, एक जी रिजर्विस्ट ट्रूप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी 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 सर एक नैरेटिव ये भी साथ में चलता है क्योंकि जो टूल किट गैंग है उनके जो एडवाइजर्स हैं वो मोस्टली विदेशी हैं, मोस्टली देश के बाहर से हैं। तो एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है कि जो अमेरिकन एक्स सर्विसमैन है अबाउट देयर पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और द फैक्ट दैट दे आर होमलेस एंड हाउ देयर लाइफ इज सो मिजरेबल, कि उन जीवन में कितना तकलीफें होती हैं आर्मी से निकलने के बाद, और इंसान बिल्कुल ही बहुत नेगेटिव डिप्रेसिंग सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो हमारे देश में वो लागू होता है या हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर उनसे कितना अलग है? नहीं होता है, और दैट इज वाई वो अग्निपथ में, अग्निवीर में लोगों को, जवानों को जाने से रोक रहे हैं, उनको ये दिखा दिखा के कि नहीं भाई देखो ऐसा ऐसा तुम्हारे तुम्हारा साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट होने वाला है तुम पे। तो ये कहाँ तक सही है सर? क्या वो सेम स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे भी लग सकता है? तो देखिए, क्या मैं आपका ओपिनियन है? या प्लीज प्लीज देखिए, ऐसा है कि आर्मी कहीं आइसोलेशन में नहीं होती, आर्मी समाज का एक हिस्सा होती है। हमारी पहले अगर आप वेस्टर्न समाज को और हमारे समाज को अगर कंपेयर करें, तो हमारे समाज की जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो फैमिली से है, परिवार से है। परिवार बाहर नहीं है, वेस्टर्न साइड में परिवार नहीं है, यहाँ तो एक आदमी को एक परिवार की, ज्वाइंट फैमिली की पूरी सपोर्ट, पूरा प्यार, पूरी सुरक्षा उसको मिलती है।
तो चाहे वो रिटायर होकर भी अगर 22 साल का लड़का आता है तो फिर वो आगे फैमिली में अपनी फिट हो जाता है, और जहां भी रहता है वो हमेशा परिवार के साथ रहता है। वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है, इसलिए वो थोड़े अकेले रहते हैं। दूसरा, अगर कुछ लोग गलत काम में पड़े हुए हैं उनके, तो वो तो उन लोगों ने देखना है। और अगर हमारे, मान लीजिए अगर ऐसा होता है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, बाकी लोगों को उसका ख्याल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनकी सोसाइटी है। सच अगर आप देखें तो उनकी सोसाइटी में ये अकेलापन है। वेस्टर्न सोसाइटी में, फ्रांस, इन चीज में अक्सर लोग डिप्रेशन वगैरह के उस मरीज वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको फैमिली की वो स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज अवेलेबल है। और 4 साल में बाद निकल के आने के बाद में, इसको 4 साल में आर्मी उसके अंदर काफी देश प्रेम की भावना भरेगी, उसको बहुत खासी स्किल देगी, और उसको बड़े एवेन्यूज देगी कि वो अपनी एक लाइफ अच्छी तरीके से जी सके। चाहे एंटी नेशनल एलिमेंट चाहेंगे कि उनमें से कुछ निकल के इनको अपना फॉर्डर मिल जाए, कुछ टेररिस्ट इस तरह के लोग बन जाएं, बट वो परसेंटेज हमेशा बहुत कम रहेगी। और एक दो ऐसे गलत लोग तो हमेशा रहेंगे ही, उसके लिए हम अपनी पॉलिसी को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इन जवाबों से मेरे ख्याल से कई लोगों की आंखें खुलेंगी कि एक्चुअल में स्कीम है क्या और सरकार इसको लागू करने से उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में लोगों को जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, अपना समय देने के लिए और धन्यवाद हमें जी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, सर। थैंक यू।